यह है आइलैंड यानी सांपों का जजीरा किसी भी शख्स को इस जजीरे पर जाने की इजाज़त नहीं है और कोई भी शख्स अगर गलती से भी इस जजीरे की तरफ निकल भी गया तो कभी जिंदा लौट कर वापस नहीं आया ये जजीरा ब्राज़ील के साहिल से तकरीबन तैंतीस किलोमीटर फ़ासले पर वाक़ है ये जजीरा कभी ब्राज़ील की सरजमीन से जुड़ा हुआ था लेकिन दस हज़ार साल पहले जब समंदर की सतह में अजाफा हुआ तो समंदर की सतह में अजाफे की वजह से ये जमीन का टुकड़ा अलग हो गया और एक जज़ीरे की शकल इख्तियार कर गया ये जजीरा अब गैर आबाद ही रहता है किसी भी शख्स को वहाँ रहने की कोई इजाज़त नहीं है आखिरी इंसान जो इस जजीरे पर रहा वो उन्नीस सौ बीस के आखिर में लाइट हाउस की देखभाल और कश्तियों को रास्ता दिखाने का काम करता था लेकिन एक दिन उसकी किस्मत हार गई और सांपों ने वाइट हाउस के अंदर खिड़कियों में से दाखिल होकर उस वाइट हाउस कीपर और उसकी फैमिली की जान ले ली इसी वजह से उस जजीरे पर अभी तक किसी की मुस्किल रिहाइश नहीं है लेकिन कभी कभार वाइट हाउस की देखभाल के लिए नेवी वहाँ का दौरा करती रहती है हकूत की तरफ से इस जजीरे पर सिर्फ दो तरह के लोगों को जाने की इजाज़त है एक नेवी और दूसरा रिसर्चर्स, जो वहाँ जाकर सांपों पर मुख्तफ रिसर्च करते हैं अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इतने सामप वहाँ पर आए कैसे यकीन तैयार कर तो आए नहीं होंगे एक पुरानी दास्तान के मुताबिक कुछ डाकुओं ने वहाँ पर ख़ज़ाना छुपा रखा था जिसकी हिफाजत के लिए उन्होंने इस जज़ीरे पर सांप छोड़ दिए और ये सांप बढ़ते बढ़ते इतनी कसीर तादाद में वहाँ पर मौजूद हो गए लेकिन एक और वजह जो सुनने को आई है वो ये है कि जब दस हज़ार साल पहले ये जजीरा मार्ज वजूद में आया तब वहाँ पर सांपों की तादाद बहुत कम थी लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुजरता गया वहाँ मौजूद सांप दूसरे जानवरों को डसते रहे उनकी तादाद में कमी और सांपों की तादाद में इजाफा होता गया जजीरे पर बहुत से खतरनाक और किस्म के सांप पाए जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा किस्म जो है वो गोल्डन लेंसेड स्नैक है जो सिर्फ और सिर्फ इसी जजीरे पर तकरीबन डेढ़ फुट तक लंबे हो सकते हैं यह जहर दूसरी जगहों पर पाए जाने वाले तीब गुना ज्यादा होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस जजीरे पर गोल्डन लेंसेड स्नेक की तादाद दो हजार से चार हजार है कभी यह तादाद इससे कई गुना ज्यादा हुआ करती थी लेकिन खुराक कीदम दस्तियाबी और जंगलात के कटाव की वजह से इनकी तादाद में मुसलसल कमी आती गई माह्रीन के मुताबिक पिछले पंद्रह सालों में इस जजीरे पर सांपों की तादाद में तकरीबन पचास फ़ीसद तक कमी आई है कुदरत की तख्लीक़ में कोई भी चीज़ बेमक़सद नहीं होती इसमें कहीं ना कहीं इंसानों का ही नफा छुपा हुआ होता है ऐसे ही इस जजीरे पर मौजूद जितने भी सांप हैं उनके जहर कहीं ना कहीं दवाइयों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं ऐसे ही जैसे गोल्डन लेंस हेड स्नेक का जहर दिल के अमराज की दवाइयों में इस्तेमाल हो रहा होता है और ऐसे ही कुछ दूसरे सामपों के जहर एंटी कैंसर मेडिसन में साबित हुए हैं इतना खतरा होने के बावजूद भी कुछ स्मगलर इस जजीरे पर गोल्डन हेड स्नै को चुनाने के लिए जाते हैं एक गोल्डन हेड लेंड की कीमत तकरीबन दस हज़ार डॉलर से लेकर तीस हजार डॉलर तक होती है हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि इंसानों को सांपों से खतरा है लेकिन इतने बड़े जजीर पर इंसानों की अदम दस्तियाबी और सांपों की इतनी कसीर तादाद की मौजूदगी इस बात को वाजे करती है कि खतरा इंसानों को सांपों से नहीं बल्कि सांपों को इंसानों से है